ठीक है, सपोज मैंने एक एनिमल सेल लिया, ये एनिमल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा, जैसे डीएनए रहेगा, ठीक है। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए को मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अभी ये डीएनए में से मेरा जो डिजायर्ड जीन है, मैंने उसको बाहर निकाला, सो दिस इज़ माई डिजायर्ड जीन। अब मैं चाहता हूँ ये जो जीन है वो एक सेल में जाए, एक कोई दूसरे सेल में जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टेरियल सेल ले लेता हूँ मैं, इक्वल है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जीन है यहाँ से यहाँ पर जाए। तो नॉर्मल जो प्रोसीजर है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, तो उसमें हम लोग ये प्लास्मिड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। प्लास्मिड को बाहर निकालने के बाद इसको यहाँ से कट करते हैं, एंड देन वी इंसर्ट दिस जीन इन टू दिस। तो ये कैसे हो जाता है, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल एनिमल सेल का जीन जो है किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दूँ, तो मेरे को एक चीज़ लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्मिड। तो ये जो है वो हमारा प्लास्मिड है। तो जो ऑर्गेनिज्म या जो सेल अपना जीन देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोनर। जो ऑर्गेनिज्म जीन को एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वल है वो है हमारा होस्ट। अभी डोनर से होस्ट तक जो जीन का सफ़र है, दैट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्लास्मिड। तो प्लास्मिड क्या करता है, ये जीन को ये ऑर्गेनिज्म से वो ऑर्गेनिज्म में लेके जाते हैं। तो हम लोग प्लास्मिड को बोलते हैं वेक्टर। तो प्लास्मिड जो हो गया वो हमारा वेक्टर हो गया। तो जो डोनेट करता है जीन उसको डोनर बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं होस्ट, और जो ये सेल से वो सेल में जीन के टुकड़े को लेके जाने में हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो यहाँ पर हमारा डोनर हो गया ह्यूमन सेल, यहाँ पर हमारा होस्ट हो गया इक्वल है, और जो वेक्टर है जो यहाँ से वहाँ लेके आएगा जीन को, दैट इज़ अवर प्लास्मिड। ओके, तो नॉर्मल आरडीएनए का प्रोसीजर क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ से सेल लिया, ओके, ये सेल में से मैंने डीएनए निकाला, ये जीन निकाला। अब ये जीन को मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर के साथ लगा दूंगा, एंड देन मैं डायरेक्टली उसको होस्ट सेल जो होता है हमारा जो इकोल है हम लोग उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जीन को अगर मुझे कोई ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो मुझे बीच में वेक्टर की मदद लेना पड़ती है, बट दिस कैन ऑल्सो बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो ये जो जीन है, ये जीन को मैं डायरेक्टली एक सेल में डाल सकता हूँ, एक ऑर्गेनिज्म के सेल में डाल सकता हूँ। मोस्टली यहाँ पर जो सेल होता है जिसके अंदर हम लोग डायरेक्टली ये जीन को पुट कर सकते हैं, वो मोस्टली यूकैरियोटिक सेल होता है। तो जब मैं जीन को डायरेक्टली यूकैरियोटिक सेल में पुट कर सकता हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ वेक्टर, बिना वेक्टर की हेल्प लिए, मैं अगर बिना वेक्टर की हेल्प लिए जीन को अगर मैं डायरेक्टली यूकैरियोटिक सेल में डालता हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। सो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज ट्रांसफेक्शन। सो इंसर्टिंग जीन, डिजायर्ड जीन इन टू दी सेल, यूकैरियोटिक सेल, विदाउट एनी इंटरमीडिएट, विदाउट द हेल्प ऑफ प्लास्मिड और एनी अदर थिंग, इज कॉल्ड एज ट्रांसफेक्शन। ओके, तो जैसा मैंने बताया ट्रांसफेक्शन क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ जीन डायरेक्टली इनटू द यूकैरियोटिक सेल विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वेक्टर। तो आपको तीन चीज़ याद रखना है ट्रांसफेक्शन के डेफिनेशन में, कि ट्रांसफरिंग जीन, जीन को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग जीन विदाउट वेक्टर, हम लोग किसी वेक्टर के बिना ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसफेक्शन कर रहे हैं, एंड देन there will be the opposite cell will be eukaryotic cell। तो ये तीनों चीज़ें होना चाहिए। सो दैट इज़ वॉट ट्रांसफेक्शन इज। तो ट्रांसफेक्शन ये होता है। अब ट्रांसफेक्शन चार मेथड से हो सकता है। कौन से मेथड से ट्रांसफेक्शन कैन बी डन बाय फोर मेथड्स। तो जो पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेशन। जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं जीन गन मेथड। थर्ड जो है दैट इज माइक्रो इंजेक्शन। और जो फोर्थ है दैट इज केमिकल मेथड। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जीन को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दें यूकैरियोटिक सेल में बिना किसी प्लास्मिड के हेल्प के, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, आइदर बाय इलेक्ट्रोपोरेशन, बाय जीन गन मेथड, बाय माइक्रो इंजेक्शन और बाय केमिकल मेथड। तो अभी हम लोग एक एक को डीट। ओके, तो जो पहला मेथड है दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। अभी इलेक्ट्रोपोरेशन का नाम ही देखो कैसा है, इलेक्ट्रोपोरेशन।
यहाँ पर अगर हम लोग नाम को ही ब्रेक करें तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एंड पोरेशन मतलब पोर्स करना, तो यूजिंग मेकिंग पोर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी प्रॉब्लम क्या आती है हम लोगों, समझो एक ही यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर उसका न्यूक्लियस है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो डीएनए है वो इसके अंदर जाए, बट इसके अंदर जाएगा कैसे, उसको सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सेल है, जो हमारा डिजायर्ड सेल है जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जीन चला जाए, मैं क्या करूँगा वो सेल को ना एक सोल्यूशन में रखूँगा। मैंने वो सेल को क्या किया, मैंने सोल्यूशन के अंदर रखा। अब ये सोल्यूशन नॉर्मल सोल्यूशन नहीं है, ये आयोनिक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है ये, आयोनिक सोल्यूशन। अब आयोनिक सोल्यूशन का मतलब है ये सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा। तो मैं इसमें से क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला हूँ। ओके, तो मैंने सबसे पहले सेल लिया जिसके अंदर मेरे को जीन डालना है, मैंने वो सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में रखा जिसको जिसके अंदर आयन है, आयोनिक सोल्यूशन। अभी आयोनिक सोल्यूशन क्यों लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। अगर वो नॉर्मल सोल्यूशन होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इसलिए मैंने क्या किया आयोनिक सोल्यूशन लिया। अब क्या करूँगा मैं, जो मेरा डिजायर्ड जीन है, जो जीन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जाए, वो जीन को मैं इसमें ही रखूँगा। सपोज दिस इज़ दैट माई जीन, दिस इज़ माई जीन जो मैं चाहता हूँ कि सेल के अंदर जाए। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से करंट ऑन कर दूँगा। जब मैं करंट ऑन करूँगा ना, तब हाई वोल्टेज की वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से या वोल्टेज जब चेंज होएगा तो क्या होगा, सेल में ना जगह जगह ऐसे पोर्स हो जाएंगे, सेल में ऐसे जगह जगह पे पोर्स हो जाएंगे। और ये पोर्स के थ्रू, ये जो पोर्स है, ये पोर्स के थ्रू क्या होगा, जो मेरा जीन है वो डायरेक्टली अंदर जा सकता है, समझा। तो हेंस दिस मेथड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेशन। हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके क्या किया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट कर दिए। नाउ थ्रू दैट पोर्स दिस जीन, माई डिजायर्ड जीन कैन एंटर माई सेल। नेक्स्ट मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं जीन गन मेथड। अभी ये जो जीन गन मेथड है ना, ये मोस्टली जो ना प्लांट सेल के लिए यूज होता है। अगर मेरे को प्लांट सेल के अंदर मेरा डीएनए डालना है डायरेक्टली, ट्रांसफेक्शन करने विदाउट दी हेल्प ऑफ एनी वेक्टर, तो मैं क्या करूँगा, मैं जीन गन मेथड यूज़ करूँगा। अभी जीन गन मेथड में क्या होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है उसमें एक गन होती है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गोल्ड का पार्टिकल लेते हैं, गोल्ड का पार्टिकल लेते हैं या तो टंगस्टन का पार्टिकल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो गोल्ड का पार्टिकल लेते हैं या तो टंगस्टन का पार्टिकल लेते हैं, जो बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर्स में होता है, ठीक है। सो दिस पार्टिकल का जो साइज है दैट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ इन माइक्रोमीटर्स, 1 to 2 माइक्रोमीटर्स का होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा डिजायर्ड जीन है, जो भी जीन मैं चाहता हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे सेल में जाए, तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर लगा दूंगा उसको। सो ये वाला जो पार्टिकल है यहाँ पर क्या है, वो गोल्ड का पार्टिकल है, गोल्ड पार्टिकल, दिस इज माई टंगस्टन पार्टिकल। अभी ये दोनों पार्टिकल के ऊपर मैंने क्या किया, मतलब हम लोग दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, उसके ऊपर मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैंने जीन का कोटिंग कर दिया, जीन को उसके ऊपर चिपका दिया, ठीक है। तो मैंने गोल्ड का पार्टिकल लिया या टंगस्टन का पार्टिकल लिया, उसके ऊपर जो मेरा डिजायर्ड जीन था मैंने उसको चिपका दिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, देयर इज अ गन, ओके, सो देयर इज अ गन। ये गन क्या करेगी, ये जो गोल्ड का पार्टिकल है, इस गन को हीलियम गन बोलते हैं। सो दिस गोल्ड पार्टिकल अलोंग विद दैट जीन विल बी लोडेड इनटू दिस गन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्लांट सेल है हमारा, वो प्लांट सेल में हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर फायर कर देंगे। जब हम लोग इसको फायर करेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर व्हाट विल हैपन, यहाँ पर पोर हो जाएगा और ये जो मेरा जो डिजायर्ड जीन है और जो गोल्ड का पार्टिकल है दैट विल कम इनसाइड। तो यहाँ पर मेरा गोल्ड का पार्टिकल के साथ मेरा जीन भी आ जाएगा, समझा। तो हेंस दिस मेथड इज कॉल्ड एज जीन गन मेथड। तो हम लोग ने जीन यूज़ किया और यहाँ पर गन यूज़ किया, गोल्ड का पार्टिकल यूज़ करके हम लोग ने प्लांट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया हमारा डिजायर्ड जीन। तो ये मेथड यूज़ करके हम लोग व्हीट, राइस, मेज, ये सारे क्रॉप्स में जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो है माइक्रो इंजेक्शन का।
अभी माइक्रो इंजेक्शन, हम लोग ने इंजेक्शन देखा है जो सिरिंज होता है वो कैसे होता है। तो सिरिंज का बेसिकली काम क्या होता है, जो भी मेडिसिन होती है अगर हम लोग की बॉडी में ट्रांसफ़र करना होता है तो विद दी हेल्प ऑफ अ वेरी थिन नीडल हम लोग क्या करते हैं, सिरिंज की हेल्प से उसको बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेम तरीके से माइक्रो इंजेक्शन है। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, एक सिरिंज होती है, ओके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये सिरिंज को हम लोग डीएनए ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम लोग डीएनए का सोल्यूशन बना लेते हैं या जो जीन का सोल्यूशन, जो मेरी रिक्वायर्ड डिजायर्ड जीन है, और उसको मैं क्या करूँगा, फिर एक एनिमल सेल में मैं डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो इंजेक्शन। नाउ दिस माइक्रो इंजेक्शन इज़ मोस्टली यूज इन एनिमल सेल्स, ज़्यादातर ये एनिमल सेल्स में यूज़ होता है। तो माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो सिरिंज भी बोलते हैं उसको। तो उसमें एक छोटी सी सिरिंज होती है जिसके अंदर हम लोग अपना डीएनए का जो डिजायर्ड जीन होता है उसको उसमें डालते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो इंजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, जो जीन है उसको एनिमल सेल के अंदर डायरेक्टली पुश कर देते हैं। जो हमारा फोर्थ मेथड है दैट इज़ केमिकल मेथड। तो जो चौथा मेथड है वो हमारा केमिकल मेथड है। सो अभी केमिकल मेथड में हम लोग एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसका नाम है पेग, PEG पेग। तो यहाँ पर पेग का मतलब कुछ और नहीं है, पेग का मतलब है पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल। तो हम लोग क्या करते हैं, ये केमिकल से सेल को ट्रीट करते हैं जिसके बाद हम लोग अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसफेक्शन। तो ट्रांसफेक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया, तो एक शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं उसको। तो सबसे पहले ट्रांसफेक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन जीन इनटू द एनिमल सेल और एनी अदर सेल विदाउट द हेल्प ऑफ वेक्टर, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफेक्शन। अभी ट्रांसफेक्शन चार तरीके से हो सकता है। पहला जो मेथड है दैट इज़ इलेक्ट्रोपोरेशन, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सेल के अंदर पोर्स क्रिएट करते हैं और फिर वो पोर्स में से डायरेक्टली हम लोग जीन को अंदर। तो जो सेकेंड मेथड है दैट इज़ जीन गन मेथड। तो जीन गन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन का पार्टिकल लेते हैं जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर्स के अंदर होता है। देन हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वो पार्टिकल के ऊपर हम लोग जो डिजायर्ड जीन है उसको डाल देते हैं। तो डिजायर्ड जीन डालने की वजह से क्या होता है, वो उस पर टंगस्टन पर चिपक जाता है, गोल्ड पर चिपक जाते हैं। देन विद द हेल्प ऑफ अ हीलियम गन व्हाट वी डू इज़ वी जस्ट शूट इट ऑन द प्लांट सेल। तो जो जीन गन मेथड है मोस्टली वो प्लांट सेल में यूज़ होता है। जो थर्ड मेथड है दैट इज़ माइक्रो इंजेक्शन। तो जैसे नॉर्मल सिरिंज होती है वैसे एक छोटा सा इंजेक्शन होता है जिसमें हम लोग डीएनए का सैंपल लोड करते हैं एंड डायरेक्टली हम लोग एनिमल सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं हमारा डिजायर्ड जीन। जो फोर्थ मेथड है दैट इज़ केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक केमिकल होता है PEG पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, उसके साथ हम लोग सेल को ट्रीट करते हैं जिसके बाद हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफेक्शन कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट ट्रांसफेक्शन। आपको अगर ट्रांसफेक्शन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप कोई टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।